स्टूडेंट यूपीपीसीएल यूपीआरपी एनएलटी जीटू आईटीआई इलेक्ट्रीशियन जैसे सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड आंसर इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसके पहले भी कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं जो कि आईटीआई और यूपीपीसीएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं आज के वीडियो में सीरीज और समांतर संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन। प्रत्येक अवस्था में निम्न की समान प्रतिरोध ज्ञात करें। उसमें पहला है 2.5 और 10 ओम की प्रतिरोध समांतर में जुड़ी है। तो समांतर में जुड़ी है तो इसका फार्मूला होता है, जब जो प्रतिरोध समांतर में जुड़ी होती हैं तो उसका फार्मूला होता है RT बराबर R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। यहाँ से RT का मान हो जाएगा पहले तो दोनों प्रतिरोध का गुणा बट्टे में दोनों प्रतिरोध का जोड़। तो R1 का मान है 2.5 गुणे R2 का है 10 बट्टे R1 का मान है 2.5 प्लस R2 का मान है 10। जब 2.5 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 25 और 2.5 प्लस 10 करेंगे तो जगह 12.5 यानी 25 बट्टे का 12.5 जब इसको भाग करेंगे तो आएगा 2 ओम यानी जो टोटल रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ओम। अगला देखते हैं 3 ओम 9 ओम और 18 ओम की तीन प्रतिरोधक समांतर में जुड़ी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा R1 का मान है 3 ओम, R2 का मान है 9 ओम और R3 का मान है 18 ओम। तो जब तीन रेजिस्टेंस समांतर में जुड़ी हों तो उसका फार्मूला होता है R1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सभी का जब मान रखेंगे तो 1/RT बराबर हो जाएगा 1/R1 1/R3 प्लस 1/R2 का मान हो जाएगा 9 और प्लस 1/R3 R3 का मान हो जाएगा 18। तो जब उसको एलसीएम लेंगे 3, 9 और 18 का तो एलसीएम हो जाएगा 18। तब एलसीएम हो जाएगा 18 और जब 18 में 3 का भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और प्लस उसके बाद 18 में जब 9 का भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा और जब 18 में 18 का भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। तो दोस्तों ये है भिन्न का जोड़। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/RT बराबर हो जाएगा 9/18। अब यहाँ से तिरिया गुणा हो जाएगा तो RT का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 18/9। तो जो टोटल कुल रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ओम। अगला देखते हैं। आठ, 12, 16 और 24 ओम की प्रतिरोधक समांतर में जुड़ी हैं। तो यहाँ पे R1 का मान है 8 ओम, R2 का मान है 12 ओम, R3 का मान है 16 ओम, R4 का मान है 24 ओम। तो समांतर में जुड़ी हैं तो समांतर का फार्मूला होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जब सबका मान रखेंगे तो 1/RT बराबर हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24। जब
इन सब का जो नीचे मान है, इन नीचे जो मान है इन सब का एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 48 यानी 48। अब जब 48 में 8 का भाग करेंगे तो 6 आएगा, प्लस जब 48 में 12 का भाग देंगे तो 4 आएगा, प्लस 48 में 16 से करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 24 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो जो टोटल 1/RT का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 15/48। इसको तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा आरटी बराबर 48/15। जब 48 में 15 का भाग देंगे तो कुल रेजिस्टेंस का जो मान होगा वो 3.2 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.05 कामा 0.25 और 1 ओम के 3 प्रतिरोधक समांतर में जुड़ी हैं, तो इसमें R1 का मान हो जाएगा 2.5, R3 का मान हो जाएगा 1 ओम। जब रेजिस्टेंस को समांतर में जोड़ा जाता है तो उसका फार्मूला होता है 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/RT का मान हो जाएगा 1/0.05 प्लस 1/0.25 प्लस 1/1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद जितना अंक है ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। दशमलव के बाद जितने अंक है उतने से गुणा हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले में 0.05 है तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुणा ऊपर में, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी 100 से गुणा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/RT का मान हो जाएगा बराबर 100/5 प्लस 100/25 प्लस 1/1। एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को करेंगे तो 5 बिन में 5 का गुणा 100 से होगा तो 500 हो जाएगा। यहाँ पे 25 में 25 का भाग करेंगे तो 1 होगा, तो 100 है तो 100 हो जाएगा। यहाँ 1 में जब 25 से गुणा करेंगे तो 25 भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 को जब 1 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/RT का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 625/25। यहाँ भी तिरियक गुणा करेंगे तो RT का जो मान आ जाएगा, RT बराबर हो जाएगा 25/625। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से जब काटेंगे तो ये एक बार में कटेगा, 25 से कम 25 और 25 दहा में 625, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। तो यहाँ पे RT का जो मान आ जाएगा 1/ क्या हो जाएगा 25, और जब 1 में 25 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.04 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 1.4.2.12.6 और 25.2 ओम की प्रतिरोध समांतर में जुड़ी है, तो यहाँ पे R1 का मान हो जाएगा 2.1 ओम, R2 का हो जाएगा 2.2 का मान हो जाएगा 4.2 ओम, R3 का हो जाएगा 12.6 ओम और R4 का हो जाएगा 25.2 ओम। तो सभी समांतर में जुड़े हैं, तो समांतर का फार्मूला होता है 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। तो सभी रेजिस्टेंस का मान रखने पर 1/RT बराबर हो जाएगा 1/2.1 + 1/4.2 + 1/12.6 + 1/25.2। जब इसको दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं ऊपर से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों जितना है वो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सबका एलसीएम हो जाएगा 252। तो 1/RT का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 252
21 से करेंगे तो 12 बार में जाएगा, 12 का 10 से कर देंगे गुणा 120 हो जाएगा, 252 में 42 का भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, तो 6 को 10 10 से करेंगे गुणा 60 हो जाएगा, 252 में 126 से देंगे दो बार में जाएगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और 252 का भाग 252 में देंगे तो एक बार में होगा तो 10 हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब उसको भिन्न के गुणा की तरह भिन्न के जोड़ की तरह सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/RT बराबर आ जाएगा 210/252। तो यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा तो RT का जो मान आ जाएगा 252/210। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो टोटल कुल रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा 1.2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1 8.5 ओम प्रतिरोधक के समांतर में कितनी प्रतिरोध जोड़ने की कुल रेजिस्टेंस का मान 5.1 हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, आर टी का मान दे दिया कितना 5.1, और आर वन का मान दे दिया है 8.5। तो यहाँ पे आर टू का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे आर टू का मान निकालने के लिए सीधे फार्मूला हो जाएगा, आर टू बराबर होता है आर वन गुणे आर टी बट्टे का आर वन माइनस आर टी। तो आर वन का मान है 8.5 गुणे आर टी का मान है 5.1 बट्टे का आर वन का मान है 8.5 माइनस आर टी का मान है 5.1। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे और नीचे का घटा देंगे तो आर टी का आर टू का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 43.35/3.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर टू का जो मान होगा वो 12.75 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर में तीन प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध 2.5 ओम है। पहली प्रतिरोध का मान 15 ओम और दूसरी प्रतिरोध का मान 18 ओम है, तो तीसरी प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे आर टी का मान दे दिया है, आर वन का मान दे दिया है और आर टू का मान दे दिया है, पूछा है आर थ्री का। तो हम जानते हैं समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है 1/RT बराबर होता है 1/R1+1/R2+1/R3। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे RT का मान दे दिया है, R1 का मान दे दिया, R2 का दे दिया है, 1/R3 का पूछा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, R1 और R2 का मान जोड़ लेंगे तो इनका LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और जब 90 में 15 का भाग देंगे तो 6 होगा प्लस 18, 90 में जब 18 का भाग देंगे तो 5 होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे टोटल तो यहाँ पे आ जाएगा 1/RT का मान 2.5 है बराबर, और उन R1 और R2 को जोड़ेंगे तो 11/90 हो जाएगा। जब 11/90 बराबर के इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे RT के मान से R1 और R2 को घटा देंगे, तो इन दोनों का LCM लेंगे 90 और 25 का, तो 450 होगा। 25 में जब 450 का भाग देंगे तो 18 बार में जाएगा और ऊपर जाके 10 से गुणा होगा तो 180 हो जाएगा, और 450 में 90 का जब भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा और ऊपर 11 से गुणा हो जाएगा तो 11/55 हो जाएगा। तो ये जो मान आएगा वो 1/R3 का मान रहेगा, ये जो मान है 1/R3 का मान है, तो उसको घटाएंगे तो 1/R3 का मान हो जाएगा 125/450। यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो R3 का जो मान आएगा वो 450/125। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको 450 में 125 का भाग देंगे तो आ जाएगा
3.6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस का माना जाएगा 3.6 ओम। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।